कोविड-19 को काबू करने के लिए वैक्सीन के रूप में आखिरकार सफलता लगभग मिल चुकी है। शनिवार को समूचे देश में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया, वहीं धर्मनगरी वृंदावन में रामकृष्ण मिशन अस्पताल में स्क्रीन लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुनने के साथ ही टीकाकरण की शुरुआत की गई, जहाँ टीकाकरण के लिए आई जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा पहला टीका अस्पताल के सेक्रेटरी सुप्रकाश नंद को लगाया गया। इसके बाद अस्पताल के स्टाफ का टीकाकरण किया गया। कोविड का सबसे पहला टीका आपके लगाए यहाँ पे, कैसा अनुभव कर रहे हैं? क्या बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग पहले डर था थोड़ा लगेगा पुश करने का टाइम, किंतु कुछ लगा नहीं। हमारा ही लड़की दिया, जो हमेशा हर रोज 20-25-50 देते हैं इंजेक्शन, वही लगाया। और सब एक साथ में थे, हम इनकरेज्ड हुआ देने के लिए। डॉक्टर्स था, सीएम ऑफिस से बहुत स्टाफ भी लोग भी थे। बहुत अच्छा लगा, आई इनकरेज्ड। और कोई पेन तो नहीं हुआ और अच्छा ही लग रहा है। मन से भी हमारा फर्स्ट टीका हम लोग का आश्रम में, हमारा हॉस्पिटल में 1500 दिया जाएगा, तो फर्स्ट टीका हमको दिया गया। और हमारा सिस्टर्स लोगों को इनकरेज किया, वो लोग कोई डर रहा था लगेगा क्या होगा बाद में, तो इसलिए हमको देने के बाद वो लोग को भी थोड़ा इनकरेज हुआ जे हमारा भी दे पाएंगे, हम लोग देने से कोई दिक्कत नहीं हुआ, दिक्कत नहीं होगा। आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबको लेना है, जो जो ये तो सिलेक्टेड है, सबको तो नहीं दिया जाएगा। जिसका जिसका नाम ऑलरेडी चढ़ गया वो लोग को ही दिया जाएगा, बाद में आस्ते आस्ते सबको दिया जाएगा। अभी तो 1500 दिया जाएगा, जिसका जिसका नाम चढ़ गया उसको मोबाइल में नाम जाएगा, इन्फॉर्मेशन जाएगा, तो सबको आस्ते आस्ते विदाउट एनी हेजिटेशन माने बिना डर से ले लेना चाहिए। हाँ जी, क्या क्या तैयारियां हैं, कितने लोगों को लगाया जाएगा? 100 बेनिफिशियरीज की लिस्ट आई है हमारे पास, कल हमारे पास पोर्टल में अपडेटेड लिस्ट आई थी। 1900 लोगों के पास मैसेज गए, वही 100 लोग आए हुए हमारे यहाँ आए हैं, अभी 30 लोग वेरीफाई हो चुके हैं, उनका टीका लगेगा। और प्रोग्रेस जैसे की तैयारी, लास्ट टाइम आया मैं डाई रन में थी, एक वैक्सीनेशन रूम है, एक ऑब्जर्वेशन रूम है, एक हमारा वेटिंग एरिया है। तो अभी 10:30 बजे के बाद जब प्रधानमंत्री जी ने इसका इनॉग्रेशन कर दिया, टीकाकरण हमने चालू कर दिया और प्रोग्राम चल रहा है टीकाकरण का।